ये मैं आपको अस्करी वालों का मेन गेट दिखा रहा हूँ। ये मेन गेट आ गया इसका, ये अस्करी 6 का मेन गेट है। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा, ये मेन गेट है इसका। ये पूरा अस्करी 6 है। रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मैं अभी आपको अभी घुमा रहा हूँ अस्करी 6 में। ये अस्करी 6 की रोड है और अभी हम जा रहे हैं इनके ऑफिस में। और आपको आज अस्करी 6 जो कि मेन टूल प्लाजा पे बना हुआ है वो हम आपको आज विजिट कराएंगे। और ये देख लें, ये अस्करी 6 क्योंकि नया बना है बिल्कुल अभी, और अभी हम यहाँ के एक इनके जो ऑफिशल्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो पहले हम आपको थोड़ा सा विजिट कराते हैं। तो भाइयों, मैं आपको अभी अस्करी 6 की रोडों पे घुमा रहा हूँ और ये सामने फ्लैट्स बनना शुरू हो चुके हैं और मेरे राइट हैंड पे तो बंगलोज भी बन चुके हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ, अभी हम करीब से भी दिखाते हैं आपको। तो ये सामने आपको बने हुए बंगलोज नज़र आ रहे हैं, ये अस्करी 6 में बन रहे हैं ये। और ये तो बाहर से तो इतना लग ही नहीं रहा था, अंदर आके तो बहुत डेप के अंदर है ये और काफ़ी बड़ी जगह है। ये देखें आप, बंगलोज ही बन रहे हैं और फ्लैट भी बन रहे हैं। तो मेरे भाई, मैं ये देख रहे हैं सामने बिल्डिंग, ये फ्लैट्स यहाँ पे बन रहे हैं अस्करी 6 में। और बल्कि बहुत बड़ा ऑलमोस्ट शहर बन रहा है पूरा। ये आपको मैं और मज़ीद दिखाऊं, अभी मैं आपको बंगलोज वगैरह भी दिखाता हूँ इसके जो यहाँ पर बन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मेरा नाम सिकंदर अख्तर है और आप लोग मुझे जानते हैं। हमारे चैनल का नाम रियल इस्टेट ऑनलाइन है और आज हम आपको लेके आए हैं अस्करी 6। अस्करी 6 जो कि मेन टूल प्लाजा से जो वादी हुसैन को जो रास्ता जा रहा है, जो बड़ा फेमस ग्रेवी यार्ड है, उससे थोड़ा कट से पहले जो है अस्करी 6 बना है। और इधर यहाँ पे हम एक अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट पे खड़े हुए हैं। हम आपको थोड़ा अस्करी 6 दिखाते भी रहेंगे अपनी वीडियो के अंदर। और थोड़ा हम पहले आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दें। आप ज़रा मोहसिन साहब, ज़रा आप थोड़ा सा घुमाते भी रहिएगा और ज़रा दिखाइएगा लोगों को कि ये प्रोजेक्ट जो है ये बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि अस्करी 6 में बन रहा है ये। तो आपको पता है इसकी अथेंटिकेशन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना अथेंटिक प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे 3/DD का, जिस पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, इस प्रोजेक्ट की जिसकी बेस इस पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, ये प्रोजेक्ट जो है वो बनने की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर 3/DD और 4/DD के लग्जरी अपार्टमेंट, मैं भी आपको साइज बताता हूँ इसका, जो इसका 3/DD का जो अपार्टमेंट है वो 3150 स्क्वायर फीट का है और इसका 4-बेड का अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन अराउंड 3500 स्क्वायर फीट का है। और 3 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर है ये, 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे। और ये प्रोजेक्ट जो है, आप ये अभी आपको दिखा रहे हैं कि आप देखें कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो अराउंड ऑन गोइंग है और बनी रही है, मतलब बन रहा है ये। और जब तक आप लोग इसको बुकिंग कराएंगे जब तक ये मेरे ख्याल से तैयार भी हो जाएगा। तो अस्करी इटसेल्फ एक, आपको पता है, एक बड़ा नाम है, बड़ी एंटिटी है। और यहाँ ये लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं या ये जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने, वो अथेंटिक होते हैं। और वहाँ पे जो भी फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं या पेंट हाउस होते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं और आगे लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में भी बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, जिस प्रोजेक्ट की अभी हम बात कर रहे हैं वो 3/DD का है, क्योंकि जो 2 टावर हैं, एक 4/DD का अलग टावर है, 3/DD का अलग टावर है। ये ग्राउंड प्लस 16 की बिल्डिंग है जिसमें 13 तक जो है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी अपार्टमेंट है और ग्राउंड प्लस 13 जो है वो अपार्टमेंट है 3/DD का। और 3 फ्लोर जो है वो पेंट हाउस के हैं, पेंट हाउस मौजूद है इसके ऊपर। और जो पार्किंग है अपार्टमेंट की वो बेसमेंट के अंदर है। और 3 साल की पेमेंट पे 30% डाउन पेमेंट है, और मतलब वो आप जब बैठेंगे तो जब बात करेंगे तकरीबन अराउंड 5 करोड़ रुपये का ये फ्लैट है। फ्लैट बड़ा है, 3150 स्क्वायर फीट का है, 3/DD की बात कर रहा हूँ। और 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे है। जगह बड़ी, मतलब नाम बेसिकली कराची में या पाकिस्तान में चीज़ें जो हैं वो ब्रांड से बिकती हैं। अगर अच्छा ब्रांड है तो आपको ये परेशानी नहीं होती है कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। आपके पैसे सही जगह पर जा रहे हैं, सही जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं। और ये आपको जब भी ये अपार्टमेंट आपको हैंडओवर होगा, जब भी पोजीशन इसकी मिलेगी, ये अपार्टमेंट आपके कैपिटल में आपको गेन देगा। आप ज़रा मोहसिन साहब ज़रा दिखाते भी रहें,
जरा थोड़ा सा के सराउंडिंग में पीछे दिखाएगा अस्करी की थोड़ी सी शक्ल दिखा दें। ये जरा सिकंदर आप बताएं कि हम अस्करी 4 के किस सेक्टर में खड़े हुए हैं और यहाँ पे ये कितने एकड़ के ऊपर 6 जो ब्लॉक अपना बन रहा है अस्करी 6, ये कितने एकड़ में बन रहा था? मैं आपको अस्करी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अस्करी जो है बेसिकली अभी जितनी इन्फॉर्मेशन हमने ली है ये 716 एकड़ पे पूरा ऑलमोस्ट जो है वो एक सिटी बन रही है। कमांडर सिटी का आपने नाम सुना होगा, कमांडर सिटी 500 एकड़ के ऊपर बना हुआ है और ये अस्करी 6 जो है ये 716 एकड़ पे है। और अभी मुझे वो बता रहे थे यहाँ के ऑफिशियल्स के 200 एकड़ जो है शायद हो सकता है इन फ्यूचर एडिशनली इसमें और आ जाए तो ये तकरीबन 900 एकड़ पे चला जाएगा। 900 एकड़ पे इस टाइम कराची शहर के अंदर जो सबसे बड़ी सोसाइटी है वो है गुलशन-ए-मेमार जो है वो 1000 एकड़ पे बना हुआ है। तो ये इस टाइम कराची की सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग स्कीम होगी। और क्योंकि आपको मालूम है अस्करी को कौन लीड करता है, हमारे आर्मी ऑफिशल्स करते हैं। तो ये यहाँ पे जो भी चीज़ आप बाय करेंगे जो अपार्टमेंट की के शेप में वो ऑथेंटिक होगी और जो भी लोग भी इस पे, क्योंकि जो काफ़ी लोग हैं जो लग्जरी लाइफ लेना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ भी लेना चाहते हैं और अच्छे सिक्योर इन्वायरमेंट में रहना भी चाहते हैं, तो ये सिक्योर तो है और अम्यूनिटीज भी बहुत हैं। अम्यूनिटीज़ की मैं डिटेल जो है वो शेयर कर दूंगा, अब आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो उस दौरान इसकी अम्यूनिटीज़ क्या क्या अम्यूनिटीज़ इसमें दे रहे हैं वो पूरी एक डिटेल लंबी डिटेल है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बाकी अस्करी के अभी आपको मोहसिन साहब ने दिखाया कि अस्करी वालों के यहाँ पे बैंगलोर भी बने हुए लेकिन वो इनके अपने ऑफिशल्स के हैं और अपने जो भी इनके एम्प्लॉयज़ होंगे उनके, तो वो हमारे पास सेल पर नहीं है। सेल पर यहाँ पर आपको बुकिंग में अपार्टमेंट मिलेंगे और ये अस्करी सिक्स का सेक्टर टू है ये। और अभी इससे तकरीबन कोई 11 के करीब जो है वो सेक्टर हैं इसके अंदर और इनिशियली जो ये डेवलप होना शुरू हुआ है अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है इसको डेवलप होते हुए, तो इतने डेवलप में सेक्टर 1 और सेक्टर 2 में डेवलपमेंट हो गई है। वहाँ पर बैंगलोर भी बन गए हैं, अपार्टमेंट के अभी आपको दिखा भी दिया इन्होंने कि काफ़ी हद तक जो है वो ऊपर निकल भी गए, मतलब मैं कह रहा हूँ जब तक आप बुकिंग करेंगे जब तक हो सकता है कि इनके ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जब भी हम जिस अपार्टमेंट पे की छत पे खड़े हुए हैं, आप जरा दिखाइएगा मोहसिन साहब, हम जिस अपार्टमेंट की छत पे खड़े हुए हैं ये 3-बेड DD का अपार्टमेंट है यहाँ पर, और ये देख लें आप इसके जो ज़मीन के अंदर करने वाले काम होते हैं बेसमेंट के और वाटर प्रूफिंग के और जो जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी हो चुकी हैं। अब ये रोड के लेवल पर खड़ा हुआ है और जो आपको सामने नज़र आ रहा है सामने वाला अपार्टमेंट जो जिसका ग्रे स्ट्रक्चर ऊपर निकल गया काफ़ी, वो 4-बेड DD का है। तो आप लोग जो लोग भी इंटरेस्टेड हो अस्करी के अंदर फ्लैट बुक कराने के लिए, अपार्टमेंट बुक कराने के लिए, तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से, तो हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। 3-बेड DD का अपार्टमेंट मैंने आपको बताया कि 3 साल की पेमेंट पे 5 करोड़ रुपये का है, 30% इसकी डाउन पेमेंट है, 3 साल के अंदर पूरी पेमेंट करनी है इसकी। और यकीनन अस्करी वालों को मैं क्या एक्सप्लेन करूं, अस्करी तो खुद एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, अस्करी है, DHS सिटी है और कमांडर सिटी है और ये सारे सेल्फ ये खुद ही अपने आप को जो है एक बड़ा नाम रखते हैं। तो भाइयों आप लोग हमेशा हमारी वीडियो देखते रहते हैं और हमें लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, तो जो लोग भी अस्करी 6 के अंदर अपार्टमेंट बुक कराना चाह रहे हो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा, ये आपका अपना चैनल है रियल एस्टेट ऑनलाइन और हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। अभी आप लोग जाइएगा नहीं, अभी हम आपको थोड़ा सा अस्करी का विजिट भी करवाएंगे, अस्करी बेसिकली अंदर से देखने में कैसा है और इसका फ्रंट भी दिखाएंगे। ठीक है भाइयों, कैसा बन रहा है अस्करी ये देखें आप, ये आपको सारे बैंगलोर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ये अभी अस्करी 6 के अंदर है और अस्करी 6 जो कि अभी आपको बताया है कि 716 एकड़ के ऊपर इन्होंने ये बनाया है एरिया अस्करी 5 के बाद, और सुपर हाईवे से यानी कि वादी हुसैन, जब आप कराची की तरफ आ रहे हैं वादी हुसैन से तो बिल्कुल नियर इसका एक कट है और बड़ा गेट है ज़बरदस्त, वहाँ से आप एंट्रेंस लेते हैं और सेक्टर इस वक्त 2 और 1 में काम चल रहा है और हम सेक्टर 1 के अंदर इस वक्त हैं जहाँ पे ये अस्करी के बैंगलोर वगैरह बने हुए। तो अब ये देखें बिल्कुल सामने इसका लिंक रोड आ गया, ये मेन अस्करी 6 का मेन रोड है बेसिकली, और कंस्ट्रक्शन जो इस वक्त चल रही है अपार्टमेंट की या बैंगलोर की वो सेक्टर 1 और सेक्टर 2 में चल रही है बेसिकली। टोटल मतलब बताया कि 11 सेक्टर है, सिकंदर ऐसे बताया उन्होंने कि 11 सेक्टर हैं और 716 एकड़ अभी जो है वो मतलब एग्जिस्ट करता है और एडिशनली उन्होंने कहा है कि शायद 200 शायद और आ जाए,
तो ये तकरीबन 900 हो जाएगा। तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट सिटी है पूरी, मतलब ऑल आप इसको ये कह लें कि, क्योंकि मैं कमांडर सिटी का मैंने बताया पहले भी आपको, वो 500 एकड़ का बना हुआ है और वो काफ़ी बड़ा है, और ये तकरीबन 716 एकड़ है, तो ये भी बहुत बहुत बड़ा एक एरिया है। और अभी हम इसको आपको दिखा रहे हैं, हम गेट की तरफ जा रहे हैं, और हमने जितना, क्योंकि सेक्टर ब्लॉक सेक्टर 1 और सेक्टर 2 में डेवलपमेंट हुई स्टार्ट हुई है, वहाँ बंगलोज ही बन गए, वहाँ फ्लैट ही बन रहे हैं, और बाकी एंट्रेंस आप देख लें, बड़ी प्यारी एंट्रेंस है, अभी आपको हम बाहर से भी दिखाते हैं एंट्रेंस इसकी। और ये है, बड़ा खूबसूरत सा बनाया है इन्होंने, हमने शुरू में भी आपको वीडियो में बताया कि हम आज अस्करी 6 जा रहे हैं, जो कि वादी हुसैन ग्रेवी हार्ट से थोड़ा सा पहले है, लेकिन टूल प्लाजा से पहले ही राउंड अबाउट से आप टर्न लेंगे तो लेफ्ट हैंड पे इसका कट है, और वहाँ पे अस्करी 6 आ जाएगा सामने, और फेमस है, ज़्यादा हमें डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है अस्करी को। अस्करी जो अभी, जैसे कि अभी आपको हम सिर्फ अभी सेक्टर, तो खैर इसके 10-11 सेक्टर हैं, अभी हमने 1 और 2 का ही आपको सर्वे कराया, क्योंकि आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बना हुआ, रोड तो बने हुए लेकिन बहुत टूटे फूटे हैं अभी, लेकिन यहाँ एरिया पूरा डेवलप हो रहा है, और आप देख रहे होंगे कि मतलब इसकी बाउंड्री का भी काम चल रहा है जो इस वक्त हम मेन रोड के ऊपर है। टोटल 11 सेक्टर हैं इसके, और जिसमें से 1 और 2 में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, और बंगलोज भी बन गए हैं, और अपार्टमेंट भी, हमने आपको ग्रे स्ट्रक्चर दिखाया कि कुछ के ग्रे स्ट्रक्चर तो अराउंड 100% कम्प्लीट हैं, और बाकी जिस पे हम जिस प्रोजेक्ट पे हम थे उसके उसका जो 4x DD का जो स्ट्रक्चर है वो तो 50% कम्प्लीट है, और 3x DD का जो है वो अभी अभी ग्राउंड से ऊपर आया, तो अराउंड काम जितना जितनी स्पीड से हो रहा है वो तो मुझे लग रहा है कि कुछ मुझे साल भर वगैरह में ही खींच के खींच देंगे इसको। ये तो ये अस्करी 6 अभी नया डेवलप हुआ है, नया बना है, और अभी हम इसके गेट की तरफ जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा, और आप लोग हमेशा देखते हैं हमारी वीडियोस, हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं आपके लिए कोई नई नई चीजें निकालने की, और अस्करी 6 में और एंट्री लेके आए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कि यहाँ पे अगर कोई लेने वाले लोग हैं, और क्योंकि हर कोई चाहता है कि अच्छी से अच्छी सोसाइटी में रहे, और अस्करी का नाम जैसे कि अभी बताया आपको पिछली वीडियो में तकरीबन, के नाम हमें तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, अस्करी माशाल्लाह हमारी फोर्स है और उसके नाम के नाम से ही यहाँ रखा गया ये एरिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाइयों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, सब्सक्राइब जरूर किया करें, और शेयर करें उन लोगों से, हो सकता है आपकी जरूरत ना हो लेकिन आपके किसी जानने वाले की जरूरत हो सकती है इस प्रोजेक्ट को, तो शेयर कर लिया करें, लोगों से डिस्कस कर लिया करें कि जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और लोग जिन लोगों को ये चीज़ें चाहिए उनको उन तक ये चीज़ पहुंच जाए। ठीक है भाइयों, और बाकी तो आप देखते रहिएगा, हम आपको इसकी अपडेट भी देते रहेंगे अस्करी की, और अब हम आप गेट की तरफ आ गए, गेट आपने देख लिया है, मेन गेट है ये इसका सोसाइटी का अस्करी 6 का।